हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन। मैं हूं रेहान और मैं फैजान। सो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है सलमान खान के फैंस और ब्लैक बग के ऑसम स्पीक्स का वीडियो है खुजली फैमिली का। सो चलो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं भी सलमान का ही फैन हूं। हां, ये सलमान का बहुत बड़ा फैन है और मैं शाहरुख का फैन हूं। सो चलो देख लेते पहले। सो हियर वी गो। Galitos presents Osamo Speaks. Hello friends and fans, this is Osamo speaking. बासी रोटी की बदबू की तरह कुछ ही रोज पहले ये खबर बहती हवा में लहराते हुए हमारे कानों में पड़ी कि सलमान खान ने आज से 20 साल पहले काले हरण यानी कि ब्लैक बग का शिकार करके काला कांड कर दिया। बांग्लादेश वासियों ने भाई ब्लैक बग का शिकार कर करके उनकी नस्ल के ही नस्ल लगा दिए यानी कि ब्रदर कंप्लीट एक्सटिंक्शन। बची कुची ब्लैक बग की तादाद इंडिया में है जिसके शिकार करने पर बहुरंग किस्म की पाबंदी है। तो बस फिर एक बार फिर सल्लू भाई को जेल की हवाओं ने याद किया। बहुत सही टाइम पे बहुत सही सीन लगा। जवानी की फुल शियारी में की हुई खताओं की माफी मगफरत क्षमा मांगते हुए सलमान भाई ऊपर वाले से यही दुआ करते रहे कि काश मैं इस बुरे एक्सपीरियंस को भुला सकूं। बहुत तकलीफ हो रही भगवान, इसका सांस भी नहीं ले जा रही मुझसे। मेरे लिए टी से कितना छोटा सा काम कर दो, इतनी ताकत तो मुझे। रिएक्शन देखो फैन का सलमान खान। हमारे चुलबुल पांडे को कोई एक दो अरसे बाद चुल जरूर होती है। सल्लू भाई के जेल में इतने कोई फ्रीक्वेंट चक्कर लगे जिस तरह 26 पे एसी चलाने वाला एक मिडिल क्लास आदमी इजी लोड की दुकान में हर हफ्ते दो बार चक्कर लगाता है। सलमान भाई के जेल की बात को अगर खोपचे में रख के उनके मूवीज की बात अगर करे तो उनमें एक ही लॉजिक नजर आता है कि कोई लॉजिक नजर नहीं आता। सल्लू भाई के फिल्मों का एक्शन अनएक्सप्लेनेबल होता है। अरे भैया, कहीं दो पहियों पे कोई गाड़ी चल रही होगी, किसी अंडर पास से भैंस चोर हेलीकॉप्टर निकल आएगा, कोई मातर चितर शीशे फोड़ के चिंची रोक रहे होंगे, लेकिन बॉस कुछ भी हो जाए भाई के फैंस ही रहेंगे। भाई क्या मस्त डांस करता है। ऐसे ही करता है, बिल्कुल ऐसे ही करता है, झूठ बोल रहा है। ओ भाई ने काला हरण मार दिया, ओए भाई को जेल हो गई है पहन। मतलब भाई साहब, इंसान चांद पे चला गया, एलियन जमीन पे आ रहे हैं और ये अभी तक पुल करने वाले दरवाजे को पुश कर रहे होते हैं। फिर ऐसे जियाले जबड़े फैंस भाई के जेल जाने की खबर सुन के पागल होके बावले होके खोते को हवाई ठुमके क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं दिमाग के पेच ढीले होंगे, क्यों नहीं पगला जाएंगे। अरे सल्लू भाई के एक्शन से इंस्पायर होके तो हमारे पिंडी कर रामी जा कुछ खोतों की बीलियां मार रहे होते हैं। भाई की मूवी देखने के बाद उनके सच्चे फैंस के रिव्यूज हमेशा इस तरह होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज सो गुड मूवी, इज डेफिनेटली वी शुड सी दिस मूवी। इफ यू विल नॉट सी दिस मूवी, हाफ ऑफ द लाइफ इज वेस्ट। व्हाट ए रोल ही प्लेड, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, माय माइंड इज फ्लैटेड। फैंस के अनगिनत मुर्गे और बकरे कुर्बान करने वाली मन्नतों और दुआओं के बाद भाई को पूरे दो दिन के बाद आखिर बेल हो ही गई। खुशी का मारे सरजी लोगों ने अन्य वाह खुसरे नचा के उनको जॉन सीना वाले आखिरी दाव भी लगाए। दो दिन की बेल होने के बाद खुशियों की ऐसी हनेरी चली कि फैंस के तो एक्साइटमेंट में दो अनार हिल गए। यार ये वीडियो का ये सीन पिछले दो तीन वीडियो से कर रहे हैं। वहाँ पे बैंड बजा और मुद्रा मस्ती करा रहे थे, लेकिन भाई को कसम खुदा के यकीन ही नहीं आ रहा कि उनको बेल हो गई है। आपकी बेल हो गई है, कोई खुशी नहीं है। कौन है भाई तू? बेल हो गई आपकी? बेल से मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोले? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेल हो गई है या नहीं हुई है। मेरी बेल हो गई है। बेल हो गई है, अभी किसी ने जय मेरे पे छोड़ा है। देखो दोस्तों, मुद्दे की बात ये है, सलमान सही एडिटिंग थी यार। बनाते हो हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी फिल्में अच्छा कमाती हैं और उनमें से अच्छा खासा हिस्सा चैरिटी के फंड्स में जाता है। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला। एंड में भाई ने तारीफ करी थी, फैजान को खुश करी दिया। बंदे की
सारी खताएं माफ करने को दिल चाहता है। सो लेट सलमान खान बी द सलमान खान। अगर सलमान भाई तीली से पूरे शहर को आग लगा दें तो फिर भी आप सलमान खान की मूवीज देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाय 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 क्या हाल है भाई। सो इफ यू आर सलमान खान फैन दिस वीडियो वाज नॉट मेड टू हर्ट योर फीलिंग। बस भाई को थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मैं भी शादी कर लेनी चाहिए। बस इतना है कि यार उससे कोई इंसान या जानवर हर्ट ना हो। शर्टें भेजने का टाइम आ गया। इस तरह की हमारी कूल डिशेस खरीदने के लिए fanstore.pk/khudlifamily पर जाओ और हमारी मर्च परचेस करो यार, करो। लगे यार तुम्हें सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब खुद ही फैमिली। बहुत अच्छे वीडियो बनाते यार ये वाकई में, ये वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया। वीडियो बहुत अच्छा था बाकी मजा नहीं आया सलमान की उड़ी। ये सलमान का फैन है लेकिन एंड में सलमान की तारीफ भी करी यार। एंड में तो ये भी बताया कि भाई चैरिटी भी करता है। उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर सलमान के फैन होंगे, वो अनसब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइबर। नहीं नहीं इसीलिए तो एंड में तारीफ भी करी। वही तो इसीलिए तारीफ करी एंड में। अच्छा वही मोटिव होगा उनका। मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग, सलमान खान का फैन भी। लेकिन वीडियो में मुझे मजा आ गया, मतलब इनके हर वीडियो को हमने देखा है और मतलब मजा ही आ जाता है। वीडियो उनके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बीच में जो छोटे छोटे क्लिप्स जो आते हैं ना, छोटे छोटे जो वीडियो आते हैं वो बहुत मतलब जमते हैं, मैच होते हैं उनके वीडियो पर, मतलब पूरे मैचिंग के साथ। मतलब जब शुरू भी होता है ना हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, तो फैन अलग दिखाते हैं और फैंस मतलब पंखे अलग दिखाते हैं, पंखे अलग दिखाते हैं। सो वो सब बहुत अच्छा लगता है और उनका कॉम्बिनेशन बहुत। जैसे सलमान खान के फैन पाकिस्तान में भी बहुत है। जब उसे बेल हुई थी ना, मतलब जेल हुई थी, तब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर करके बोल रहे थे कि यार सलमान खान के लिए वीडियो बनाओ, उसके लिए प्रे करो, ये वो। और हमारे तो कुछ सब्सक्राइबर जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो लोग तो मतलब उनमें से एक बंदी थी, मतलब बहुत बड़ी फैन है सलमान खान की, वो तो मतलब उसको तो मतलब गुस्सा ही आ गया था यार। वो बोलती यार एक जानवर को मारने की इतनी बड़ी सजा 5 साल, तो बोले यार मैसेज मेरे पास भी बहुत सारे थे। ऑडियो में मेरे पास ही डिलीट हो गया उसका, नहीं तो मैं आप लोगों को सुनाता बिल्कुल। और शायद वो अगर देख रही होंगी तो उन्हें पता होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे पास बेल होने के बाद मैसेज आए थे कि बहुत ज्यादा मुबारकबाद दे रहे थे मुझे सलमान खान की बेल हो गई है। और ये जो 2 दिन थे ना सलमान खान जब जेल में था, ये ठीक से ना इसने खाना खाया, मुंह ऐसा लटका हुआ था उसका, मतलब सलमान खान नहीं हो गए, मतलब क्या पता क्या मेरा नहीं यार, पूरे इंडिया का ही मुंह लटका हुआ था उस टाइम तो। और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे यार और ये बोल रहे थे कि भाई सलमान खान इतना सोशल वर्क करते हैं, उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए। तो फाइनली उनको बेल मिल गई और सलमान खान को लगभग पूरा इंडिया ही सपोर्ट कर रहा था। इंडिया के मतलब इंडिया के जो बाहर की जो दूसरी कंट्रियां हैं, हाँ वहाँ भी सपोर्ट कर रहे थे सलमान खान को। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वीडियो, और सलमान खान के फैन हो तो लाइक कर देना और नहीं हो तो डिसलाइक कर देना। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक लव नॉट वॉर।